हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नॉलेज से भरे चैनल में जिसका नाम है एसएनएस मार्केट ज्ञान। इस एसएनएस मार्केट ज्ञान के चैनल में मैं आपके साथ शेयर करता हूं डेली बेसिस पे कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसी न्यूज जिसे पाकर आप स्टॉक मार्केट में एक सफल ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आज की प्री मार्केट समरी, यानी कि 10th अगस्त के कुछ मैं आपको ऐसे नंबर्स, कुछ ऐसे डेटास आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप आज जो भी ट्रेडिंग लेने वाले हैं आप उसके अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यानी कि आज की प्री मार्केट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर लेता हूं, मेरे वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन का बटन है वो भी आप दबाएं ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लगातार बनाता रहूं और आपको नोटिफिकेशन से भेजता रहूं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपको आज की प्री मार्केट समरी बताने वाला हूं, यानी कि 10th अगस्त का मॉर्निंग का 8 o'clock का डेटा मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। यानी कि आप जो भी डेटा इस वीडियो में देखेंगे मॉर्निंग टिल 8 o'clock तक का होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कौन कौन सी डिटेल शेयर करने वाला हूं उसका मैं आपको यहां पे एक छोटा सा समरी दिखा रहा हूं, जिसके अंदर सबसे पहले मैं आपको मार्केट के इंडेक्सेस बताऊंगा, जिसके अंदर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी वगैरह के रेट्स बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको करेंसी के स्पॉट रेट बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। देन मैं आपको उसके बाद बताऊंगा कि कितने स्टॉक्स ऊपर गए यानी एडवांस की तरफ गए, कितने डिक्लाइन गए, यानी कि मैं आपको एडवांस डिक्लाइन रेशो भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। देन मैं आपको उसके बाद बताऊंगा ऐसे कितने स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपर बैंड हिट करा है या फिर लोअर बैंड हिट करा है, या फिर उसके बाद में आपको बताऊंगा ऐसे कितने स्टॉक्स हैं जिन्होंने 52 वीक का हाई टच करा है या 52 वीक का लो टच किया है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ऐसे कितने स्टॉक्स हैं जिसमें बल्क बाइंग हो रही है, बल्क सेलिंग हो रही है या डील्स ब्लॉक हो रही है। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ऐसे एनएससी के कितने स्टॉक्स थे या ऐसे कौन से 5 स्टॉक्स थे जो टॉप गेनर की लिस्ट में रन कर रहे थे या टॉप लूजर की लिस्ट में रन कर रहे थे। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आज की डेट का पिवट टेबल क्या रहेगा अगर आप आज ट्रेडिंग करने वाले हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, या मैं आपको यहाँ पे कॉल पुट भी मेंशन करूंगा। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कल ऐसे कौन से स्टॉक थे जो न्यूज में थे, चाहे वो स्टॉक्स के रिजल्ट की वजह से हो या किसी और न्यूज की वजह से, एंड आज कौन से स्टॉक्स हैं जिनका रिजल्ट आने वाले हैं। देन मैं आपको बताऊंगा FIs का डेटा क्या चल रहा है आज की डेट में, या फिर DIs का क्या डेटा चल रहा है, MSCI डेटा भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा जिसमें आप गोल्ड सिल्वर के रेट देख सकते हैं। देन मैं आपको बताऊंगा मार्केट में ग्लोबल इंडेक्सेस अभी कहां कहां चल रहे हैं, कौन सा ग्लोबल इंडेक्सेस यानी US की मार्केट कहां चल रही है, यूरोपियन मार्केट कहां चल रही है, एशियन मार्केट कहां चल रही है। देन सबसे एंड में मैं आपको बताऊंगा हमारा निफ्टी पे आज का क्या व्यू है, यानी कि भारतीय ग्लोबल मार्केट के बेस पे आज का मार्केट का जो निफ्टी का ओपनिंग व्यू रहेगा हमारा वो क्या रहेगा। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आज का हमारा निफ्टी का टेक्निकल बेसिस पे, इंडिकेटर के बेसिस पे क्या व्यू आ रहा है, यानी कि पूरे दिन मार्केट का क्या मोमेंटम रह सकता है टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको निफ्टी का फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों व्यू बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के इंडियन इंडेक्सेस की। मार्केट के इंडियन इंडेक्सेस में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैं एक छोटा सा टेबल दिखा रहा हूँ, इस टेबल में आप निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 50 एंड उसके बाद निफ्टी बैंक और सेंसेक्स का मैं आपको यहाँ पे रेट्स एंड उसके परसेंटेज चेंज बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जो निफ्टी 50 का कल का जो LTP रहा है 16258 का रहा है और इसके अंदर जो चेंजेस हुए 20 पॉइंट्स का रहा है और इसके अंदर जो परसेंटेज में चेंज आया है वो 0.212% का चेंज रहा है, यानी कि पॉजिटिव साइड में 0.21% का चेंज। अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 देखते हैं तो इसका जो LTP रहा है वो 39579 का रहा है और इसमें जो चेंजेस आए पॉइंट्स में माइनस में 183 पॉइंट का चेंज आया है और परसेंटेज में भी माइनस में 0.46% का चेंज है। अगर इसके बाद निफ्टी मिड कैप 50 देखते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं इसका जो LTP रहा है 7584 का रहा है और इसके अंदर जो चेंजेस आए वो भी माइनस में आए, यानी कि माइनस 98 पॉइंट्स और परसेंटेज में माइनस 1.29% का चेंज है। अगर आप बैंक निफ्टी देखते हैं यानी कि निफ्टी बैंक देखते हैं तो उसका जो LTP रहा है 36028 का रहा है और जो पॉइंट्स में अगर आप देखते हैं तो पॉजिटिव साइड में इसके अंदर 219 पॉइंट्स का चेंज आया है। अगर आप परसेंटेज में देखते हैं तो 0.16% का इसके अंदर चेंज आया है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप सेंसेक्स देखते हैं तो सेंसेक्स में कल का जो इसका LTP रहा है 54402 का रहा है और इसके अंदर जो चेंजेस आए हैं पॉइंट्स में प्लस साइड में यानी पॉजिटिव साइड में 125 पॉइंट्स का चेंज है और अगर परसेंटेज में देखते हैं तो पॉजिटिव साइड में 0.23% का चेंज है। यानी कि आपने यहाँ पे मार्केट इंडेक्सेस देख ली, यानी कि मार्केट के इंडियन इंडेक्सेस, इसके अंदर निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स तीनों पॉजिटिव रहे हैं लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप 50 दोनों के दोनों इसमें नेगेटिव रहे हैं मार्केट इंडेक्सेस के बाद। अब बढ़ते हैं हम करेंसी के स्पॉट रेट की तरफ। करेंसी के स्पॉट रेट्स के बेसिस पे आप आज फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो उसका मैं आपको यहाँ पे
अलग करेंसी के स्पॉट रेट बता रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। यूएसडी आईएनआर का भी जो रेट चल रहा है 74.2644 का चल रहा है, जीबीपी आईएनआर का 103.0904 का चल रहा है, यूरो आईएनआर का अगर आप देखते हैं रेट तो वो 87.8810 चल रहा है, और अगर आप यान का रेट देखते हैं तो 67.6900 चल रहा है। तो इन रेट्स के बेसिस पे आज आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो करेंसी स्पॉट रेट के बाद अब हम बात करते हैं एडवांस और डिक्लाइन रेशियो की, यानी कि ऐसे कितने स्टॉक्स थे जो एडवांस रहते यानी कि ऊपर गए थे, और ऐसे कितने स्टॉक्स थे जो डिक्लाइन रहते यानी कि नीचे गए थे। तो एडवांस में आप देख सकते हैं, एडवांस में जाने वाले निफ्टी 50 के 23 स्टॉक्स थे, डिक्लाइन में जाने वाले 27 स्टॉक्स थे। तो टोटल 50 के अकॉर्डिंग इसका रेशियो निकालते हैं तो एडी रेशियो आ रहा है 0.85 का। अगर हम ओवरऑल मार्केट का देखते हैं तो ओवरऑल मार्केट में आप एडवांस देख सकते हैं 663 है, डिक्लाइंस देख सकते हैं 1325 है, और इसके अंदर अनचेंज देख सकते हैं यानी ऐसे कितने स्टॉक्स थे जिनमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं वो 52 स्टॉक्स हैं। तो ओवरऑल आप देखते हैं टोटल इसके अंदर 2040 स्टॉक्स हैं, और इसका एडी रेशियो निकालते हैं 663 से 1325 का रेशियो निकालते हैं तो वो आता है 0.50 का। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पे एडवांस डिक्लाइन के निफ्टी 50 का भी रेशियो बता दिया और ओवरऑल मार्केट का भी रेशियो बता दिया। एडवांस डिक्लाइन के बाद अब हम बढ़ते हैं प्राइस बैंड हिटर की तरफ, यानी ऐसे कितने स्टॉक्स हैं जिन्होंने प्राइस बैंड हिट करा है, यानी कि अपर बैंड हिट करे हैं या लोअर बैंड हिट करे हैं या बोथ बैंड हिट करे हैं। तो आप देख सकते हैं अपर बैंड हिट करने वाले 134 स्टॉक्स हैं, लोअर बैंड हिट करने वाले 156 स्टॉक्स हैं, और बोथ बैंड हिट करने वाले ओनली 48 स्टॉक्स हैं। तो 330 स्टॉक्स ऐसे हैं जो इस लिस्ट में हैं, तो आप वो स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो प्राइस बैंड हिटर के बाद अब हम बढ़ते हैं ऐसे कितने स्टॉक्स हैं, यानी ऐसे कितने स्टॉक्स के नंबर्स हैं जिन्होंने 52 वीक के हाई हिट करें या 52 वीक के लो हिट करें, तो उसका भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 52 वीक के हाई हिट करने वाले 125 स्टॉक्स हैं और लो हिट करने वाले ओनली 12 स्टॉक्स हैं। तो यहां पे मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूं, ये स्टॉक्स के जो नंबर्स हैं 135 स्टॉक्स हैं जिन्होंने 52 वीक के हाई भी हिट कर रहे हैं, 52 वीक के लो भी हिट कर रहे हैं। 52 वीक के हाई एंड लो के बाद अब हम बढ़ते हैं उस स्टॉक की लिस्ट की तरफ, यानी कि वो डेटा की तरफ जिससे आपको पता चलेगा ऐसे कितने स्टॉक्स हैं जिन्होंने बल्क बाइंग करी है, बल्क सेलिंग करी है, या जिन स्टॉक्स के अंदर डील्स ब्लॉक हुई है। तो बल्क बाइंग वाले स्टॉक्स हैं टोटल 45, ब्लॉक डील्स वाले हैं 2 स्टॉक्स, और शॉर्ट सेलिंग वाले हैं ओनली 1 स्टॉक्स। तो उस लिस्ट का भी आप डेटा यहां देख सकते हैं, टोटल आप देख सकते हैं 48 स्टॉक्स हैं जिन्होंने बल्क डीलिंग करी है, ब्लॉक डील्स करी है, हैवी शॉर्ट सेलिंग करी है। तो इनके बेसिस पे आप देख सकते हैं, जो भी मैं आपको डेटा बता रहा हूँ ये कल का बता रहा हूँ मार्केट एंड होने के बाद, लास्ट डील के बाद। अब हम बढ़ते हैं टॉप गेनर और टॉप लूजर की तरफ, यानी कि एनएससी के कल ऐसे कौन से 5 स्टॉक्स थे जो टॉप गेनर में रन कर रहे थे, या ऐसे कौन से 5 स्टॉक्स थे जो टॉप लूजर में रन कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं आपको टॉप गेनर का यहाँ पे छोटा सा एक टेबल दिखा देता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं टॉप गेनर में M&M है, टेक महिंद्रा है, एक्सिस बैंक है, बजाज फिनसर्व है, फाउंडेशन बैंक है। तो M&M में आप देख सकते हैं इसका जो LTP रहा है 775 का रहा है, इसमें जो परसेंटेज में चेंज आया है वो 2.23% का चेंज है। टेक महिंद्रा आप देख सकते हैं इसमें जो LTP रहा है 1289 का रहा है, इसमें जो परसेंटेज चेंज में 1.93 है। अगर आप एक्सिस बैंक देखते हैं तो 744 का इसके अंदर LTP आ रहा है, यानी कि 754 का LTP आ रहा है, परसेंटेज में 1.86 का परसेंटेज चेंज है। बजाज फिनसर्व आप देख सकते हैं 14225 का इसके अंदर LTP आ रहा है, और इसके अंदर जो चेंजेस आए हैं परसेंटेज में 1.57 का है। इंडसइंड बैंक आप देख सकते हैं इसका LTP 1043 है, इसमें जो परसेंटेज चेंज है 1.31 का चेंज आ रहा है। तो आप देख सकते हैं टॉप गेनर की लिस्ट में जो स्टॉक्स रन कर रहे हैं टॉप गेनर में, उनमें जो परसेंटेज में चेंज का जो रेंज है 1.31 से लेकर 22.3 के बीच का आ रहा है। तो इस वजह से ये सारे स्टॉक्स टॉप गेनर में टॉप कर रहे थे। तो टॉप गेनर के बाद अब हम बढ़ते हैं टॉप लूजर की तरफ, उसका आप टेबल यहां देख सकते हैं। उस टेबल में मैं आपको टाटा कंज्यूमर दिखा रहा हूं, कोल इंडिया दिखा रहा हूं, अदानी पोर्ट्स दिखा रहा हूं, भारतीय एयरटेल दिखा रहा हूं, SBI लाइफ दिखा रहा हूं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं टाटा कंज्यूमर का जो परसेंटेज में चेंज आया है नेगेटिव साइड में 1.98% का चेंज है, और उसका जो LTP है 765 का है। कोल इंडिया का LTP आप देख सकते हैं 143 के अराउंड का है, परसेंटेज में -185 का इसके अंदर परसेंटेज चेंज है। अदानी पोर्ट्स आप अगर आप देखते हैं तो इसमें जो LTP आ रहा है 698 का आ रहा है, और इसके अंदर जो चेंजेस हैं परसेंटेज में -1.67% का चेंज है। भारतीय एयरटेल का जो LTP आ रहा है 598 का है, इसमें जो परसेंटेज चेंज है -1.63 का है। इसके बाद अगर आप SBI लाइफ देखते हैं टॉप लूजर की लिस्ट में 1132 का इसका LTP आ रहा है, इसमें जो परसेंटेज चेंज है -1.63% का चेंज है। तो मैंने आपको पूरा टेबल रीड आउट करके बता दिया है, आप देख सकते हैं इसमें जो रेंज रहा है नेगेटिव साइड में 1.63% से लेके 1.98% के बीच का रहा है, और इस वजह से ये स्टॉक टॉप लूजर में टॉप कर रहे थे। टॉप लूजर के बाद अब हम बढ़ते हैं पाइवट टेबल की तरफ, यानी कि पाइवट टेबल की मदद से आज आप जो भी ट्रेडिंग करने वाले हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, उनके स्टॉप लॉस एंड टारगेट मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये टेबल देखना होगा। इस टेबल में मैं आपको जो LTP बता रहा हूं निफ्टी का 16264 का आ रहा है, इसका जो पाइवट आ रहा है 16257 का आ रहा है। इसके बाद मैं आपको R1 R2 बता रहा हूं जो आपके टारगेट हो सकते हैं अगर आप बाइंग में चल रहे हैं। तो R1 आप देखेंगे तो 16332 आ रहा है, R2 अगर आप देखते हैं तो 16400 आ रहा है।
इसके बाद अगर मैं आपको स्टॉप लॉस बताऊं यानी कि सपोर्ट्स बताऊं जो आप बाइंग के टाइम पे फॉलो कर सकते हैं, तो S1 आपका आ रहा है 16189 और S2 आ रहा है आपका 16046। तो इनके बेसिस पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको R1 भी बता दिया, R2 भी बता दिया, S1 S2 भी बता दिया। इसके हिसाब से आप बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने आपको यहाँ पे कॉल भी बताई है 16200 की, पुट भी मैंने आपको बताई है 16300 की। इनके बेसिस पे आज आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा सकते हैं। पाइवट टेबल के बाद अब हम बढ़ते हैं ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट की तरफ जो कल न्यूज में रहते, और मैं आपको वो न्यूज में क्यों थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप लिस्ट देख लीजिए, IPCA एंड लेबोरेटरीज का मैं आपको यहाँ पे न्यूज बता रहा हूँ। ये कंपनी ने अपना जो शेयर प्राइस है 4% से इंक्रीज कर दिया, इस वजह से न्यूज में था। इसके अलावा जी एंटरटेनमेंट है, टाटा पावर है, नेल्को है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, अदानी इंटरप्राइजेस है, इन सारे स्टॉक्स की कल लिस्ट आई थी जिसके अंदर जी एंटरटेनमेंट का काफी अच्छा रिजल्ट आया था। इन्होंने अपना लास्ट बार प्रॉफिट बुक कराया 29 करोड़ का, इस बार इन्होंने प्रॉफिट अपना बुक कराया 208 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं इनका जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो चुका है, इस वजह से इनका रिजल्ट अच्छा आया था और ये न्यूज में चल रहा था। टाटा पावर का अगर आप देखते हैं तो टाटा पावर ने भी अच्छा इसमें प्रॉफिट बुक कराया, 268 को प्रॉफिट को ये 4658 के प्रॉफिट तक लेके जा चुके हैं, इस वजह से ये न्यूज में चल रहा था और इस कंपनी के लिए रिजल्ट भी अच्छा आया था। नेल्को कंपनी का अगर आप देखते हैं तो लास्ट बार इस कंपनी ने सिर्फ 16 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बुक करा और इस बार इन्होंने 347 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बुक करा है, वो भी आप स्क्रीन पे रीड आउट कर सकते हैं। इस वजह से इन्होंने इतना ज्यादा प्रॉफिट बुक करा है तो आप कह सकते हैं एक तरफ से 20 टाइम्स इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करा है, यानी कि नेल्को ने 20 टाइम्स टाइम अपना प्रॉफिट बुक करा है। तो इस वजह से इस कंपनी के लिए ये स्टॉक का जो रिजल्ट आया काफी बढ़िया है और ये न्यूज इस वजह से थी नेल्को की। इसके बाद अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आप देख सकते हैं इनको जो लास्ट बार लॉस हुआ है 864 करोड़ रुपीज का, इस बार इनको 1280 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट बुक हुआ है, तो इस कंपनी के लिए भी अच्छा रिजल्ट आया। तो सबसे एंड में अगर आप अदानी एंटरप्राइजेस की न्यूज पढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं इन्होंने अपना एक डेटा सेंटर खोला है नोएडा के अंदर, इस वजह से ये कंपनी कल न्यूज में चल रही थी। तो स्टॉक न्यूज के बाद अब हम बढ़ते हैं ऐसे स्टॉक की लिस्ट की तरफ जिनके आज रिजल्ट आने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आज 10th अगस्त को 115 स्टॉक के आज रिजल्ट आएंगे, उसमें से मैं आपको कुछ स्टॉक के यहाँ पे नाम दिखा रहा हूँ, जैसे कि पावर ग्रिड है, कोल इंडिया है, जोमेटो है, सीमेंस है, लुपिन है, कल्याण ज्वेलर्स है, रिलायंस इंफ्राटेक्स है, इसके अलावा VIP क्लोथिंग है, ICICI लिमिटेड है, मुथूट कैपिटल सर्विसेज है, MT एडुकेयर लिमिटेड है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके आज रिजल्ट आने वाले हैं, यानी कि 115 स्टॉक्स के आज रिजल्ट आने वाले हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे थोड़े से स्टॉक के नाम बता दिए। तो इन स्टॉक्स में अगर आप ट्रेडिंग करने वाले हैं तो मैं आपसे बिल्कुल वार्न करूंगा आपको कि आप बहुत ही सोच समझ के इन स्टॉक्स में ट्रेडिंग करेगा, क्योंकि अगर आप इनमें ट्रेडिंग करते हैं तो इसके अंदर काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। इस लिस्ट के बाद अब हम बढ़ते हैं उस लिस्ट की तरफ जिसमें आपको पता चलेगा आज ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो FNO के अंदर बैन है, जिसके अंदर आपको FNO के अंदर आज ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो मैं आपको बता दूं ऐसे 6 स्टॉक है जिसमें कैनरा बैंक आता है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आता है, नेल्को आता है, RBL बैंक आता है, सेल आता है और सन टीवी नेटवर्क आता है। यानी कि ये 6 स्टॉक्स ऐसे हैं जो आज FNO में बैन रहेंगे। अगर आप आज इनमें ट्रेडिंग करते हैं तो आप ट्रेडिंग मत करिएगा, क्योंकि आपके ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इस लिस्ट के बाद अब हम बढ़ते हैं FIS के और DIS के डेटा की तरफ, यानी कि कल मार्केट बंद होने के बाद 9 अगस्त को NSE की वेबसाइट से मैंने जो डेटा लिया है वो मैं आपको अब स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आप स्क्रीन पे रीड आउट कर सकते हैं कि FIS का कल नेट बोर्ड रहा है 211.91 करोड़ का और DIS का नेट ऑफ लोडेड रहा है 716.1 करोड़ रुपीज का। तो आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पे कि FIS ने कल नेट बोर्ड करा और DIS ने कल नेट ऑफ लोडेड करा है, तो उसके बेसिस पे आप अंदाजा लगा सकते हैं या इंडिया की बाहर की मार्केट में क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है या फॉरेन की इंडिया में क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो FIS डेटा और DIS डेटा के बाद अब हम बढ़ते हैं M6 डेटा की तरफ। M6 डेटा में आप देख सकते हैं मैं आपको गोल्ड दिखा रहा हूँ, सिल्वर दिखा रहा हूँ, कॉटन दिखाता हूँ, क्रूड ऑयल दिखा रहा हूँ, नेचुरल गैस दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कल की जो इंडेक्सेस रहे हैं, जो भी मैंने आपको M6 डेटा बताया वो सारा का सारा नेगेटिव रहा है, जिसमें गोल्ड में कल 700 पॉइंट के अराउंड पे नेगेटिविटी आई है, सिल्वर में 2200 पॉइंट की गिरावट आई है, इसके अलावा कॉटन देखते हैं इसमें भी 600 पॉइंट की गिरावट आई है, क्रूड ऑयल में भी 155 पॉइंट की गिरावट है और नेचुरल गैस में माइनस में 8.4 की गिरावट आ रखी है। तो आप देख सकते हैं कल का मार्केट M6 के लिए काफी ज्यादा बुरा था, काफी ज्यादा मार्केट गिरी है। जो लोग बाइंग में होंगे उनको हैवी लॉस हुआ होगा और जो लोग शॉर्ट सेलिंग करके बैठे होंगे उनको हैवी प्रॉफिट हुआ होगा। तो M6 डेटा के बाद अब हम बढ़ते हैं मार्केट के ग्लोबल इंडेक्सेस की तरफ, जिसमें मैं आपको US का मार्केट दिखा रहा हूं, यूरोप का मार्केट दिखा रहा हूं और सिंगापुर निफ्टी दिखा रहा हूं, यानी कि एशियन मार्केट दिखा रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हैं US का जो नैसडेक है इसका जो LTP रहा है कल 14860 का रहा है, पॉइंट में जो इसमें चेंजेस आ रहे हैं पॉजिटिव साइड में 24 पॉइंट का चेंज आ रखा है, परसेंटेज में 0.16% का चेंज है। FTSE यानी यूरोपियन मार्केट कल पॉजिटिव बंद हुई है, 7132 का इसका LTP दिखा रहा है, यहाँ पे 9 पॉजिटिव पॉइंट्स आए हैं, 0.13% का चेंज है। CAC अगर आप देखते हैं जो कि यूरोपियन मार्केट का, ये नेगेटिव बंद हुआ है 6813 पे,
पॉइंट में इसमें जो चेंजेस आए माइनस में 3.78% का चेंज है, अगर आप परसेंटेज में देखते हैं तो 0.06% का चेंज आ रहा है। डैक्स अगर आप देखते हैं तो ये भी नेगेटिव बंद हुआ है, इसका जो एलटीपी है 15745 का है, पॉइंट में जो उसमें चेंजेस है माइनस 16 पॉइंट है, परसेंटेज में आप देखते हैं तो माइनस में 0.1% का चेंज है। अगर आप आज की मार्केट का एसजेक्स निफ्टी देखते हैं तो उसका जो अभी फिलहाल मार्केट में एलटीपी आ रहा है 16274 का आ रहा है, पॉइंट में चेंजेस सिर्फ 2 पॉइंट्स का चेंज है, परसेंटेज में 0.01% का चेंज है। तो मैंने आपको यहाँ पे ग्लोबल इंडेक्सेस बता दिए, आप देख सकते हैं यूएस मार्केट कहाँ चल रही है, यूरोपियन मार्केट कहाँ चल रही है और एशियन मार्केट कहाँ चल रही है। इस मार्केट ग्लोबल इंडेक्सेस के बाद अब हम बढ़ते हैं आज का हमारा निफ्टी पे फंडामेंटली क्या व्यू है, टेक्निकल क्या व्यू है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अब मैं पहले आपको पहले फंडामेंटली व्यू बता देता हूँ, यानी कि मार्केट का ग्लोबल इंडेक्सेस के बेसिस पे मार्केट का क्या व्यू रहेगा ओपनिंग टाइम में। तो मैं जैसा कि आप देख सकते हैं एसजेक्स निफ्टी अभी 16274 के अराउंड पे चल रहा है और इसमें ओनली 2 पॉजिटिव पॉइंट्स आ रहे हैं। तो हालांकि ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो इंडियन मार्केट है वो पॉजिटिव ओपन होगा, लेकिन उसके अंदर ज्यादा पॉइंट्स पॉजिटिव साइड में नहीं आएंगे, ओनली 2-3 पॉइंट्स के अराउंड पे पॉजिटिव आएंगे। तो अभी मैं आपको बताऊं कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट आज का जो हमारा निफ्टी का ओपनिंग व्यू होगा वो तो फिलहाल बुलिश होगा, लेकिन आगे मार्केट में पूरे दिन क्या व्यू रहने वाला है वो मैं आपको टेक्निकल व्यू में बताता हूं। तो निफ्टी का फंडामेंटल व्यू देखने के बाद अब हम बढ़ते हैं आज का हमारा निफ्टी का टेक्निकल बेसिस पे क्या व्यू आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट लगा के नहीं बता रहा हूँ, जो भी इंडिकेटर्स मैंने चार्ट पे लगाए वो काफी ज्यादा हॉचपॉच हो जाता, उसको मैंने अलग से नोट डाउन कर लिया एक्सेल में। देन मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल बना के दिखा रहा हूँ कि मैंने इसके अंदर जो जो इंडिकेटर यूज करे हैं उसके बेसिस पे निफ्टी का क्या व्यू आ रहा है। तो निफ्टी के व्यू के लिए आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आरएसआई लगाया है 14 लेवल का, जिसका लेवल आ रहा है 67.57 और इसके अंदर बुलिश ट्रेंड बता रहा है। इसी हिसाब से मैंने एमएससीडी भी लगाया, स्टोकास्टिक भी लगाया है, आरओसी भी लगाया, सीसीआई भी लगाया, विलियमसन भी लगाए, एटीआर भी लगाए, एडीएक्स भी लगाया और एंड में मैंने बोलिंगर बैंड्स भी लगाए। तो आप देख सकते हैं एमएससीडी के अंदर इसके अंदर बुलिश आ रहा है, स्टोकास्टिक के अंदर इसके अंदर ओवरबोट आ रहा है, आरओसी अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर भी बुलिश का ट्रेंड बता रहा है, सीसीआई में भी बुलिश का ट्रेंड बता रहा है और अगर विलियमसन देखते हैं तो उसके अंदर इसकी जो क्वांटिटी बता रही है, जो भी इसके अंदर लेवल्स बता रहे हैं वो ओवरबोट बता रहे हैं, एटीआर के अंदर हाई वोलेटिलिटी दिखा रहा है, एडीएक्स के अंदर वीक ट्रेंड बता रहा है। एंड मैंने इसके अंदर जो ट्रेंड्स लगाए हैं बोलिंगर बैंड लगाए हैं वो मैंने 22 के लगाए हैं, 20 से लेके 2 के लगाए हैं, उसके अंदर अपर बैंड के भी लेवल यहाँ दिखा रहा हूँ, लोअर बैंड के भी लेवल यहाँ दिखा रहा हूँ और एसएमए 20 के भी यहाँ पे लेवल दिखा रहा हूँ। तो इन इंडिकेटर्स के बेसिस पे अभी तक तो मुझे निफ्टी का बुलिश ट्रेंड लग रहा है। देन मैं आपको मूविंग एवरेज के बेसिस पे भी बताता हूँ कि मेरे को निफ्टी का कहाँ पे क्या व्यू लग रहा है। तो आप देख सकते यहाँ पे मैंने 5 का पीरियड, 10 का पीरियड, 20 का पीरियड, 50, 100 और 200 तक के मैंने यहाँ पे पीरियड्स लगाए हैं और इन सभी के बेसिस पे मैंने आपको यहाँ पे एसएमए भी मेंशन करे हैं और इन एसएमए के लेवल्स के बेसिस पे यहाँ पे हर इंडिकेटर के अंदर या फिर हर लेफ पीरियड के अंदर एक इंडिकेशन आ रहा है जो कि बुलिश का आ रहा है। तो मूविंग एवरेज के बाद अगर हम इनके क्रॉसओवर चेक करते हैं तो क्रॉसओवर में आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में 5-20 का मैंने यहाँ पे लेवल फॉलो करा है तो आप देख सकते हैं बुलिश ट्रेंड आ रहा है, और अगर मीडियम टर्म में देखते हैं तो 20-50 के बीच में भी बुलिश ट्रेंड आ रहा है और लॉन्ग टर्म में 50-200 के बीच में भी बुलिश ट्रेंड आ रहा है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं जितने भी मैंने इंडिकेटर्स लगाए हैं टेक्निकल के बेसिस पे उनमें हर तरीके से इसके अंदर निफ्टी का बुलिश ट्रेंड आ रहा है, यानी कि आज जो मार्केट का पूरे दिन का जो ओवरऑल मार्केट रहेगा अभी तक टेक्निकल के बेसिस पे वो बुलिश का ट्रेंड रहेगा। तो आज का हमारा जो निफ्टी का टेक्निकल व्यू है वो बुलिश ट्रेंड है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के अंदर निफ्टी का फंडामेंटल भी व्यू बता दिया, यानी कि ग्लोबल मार्केट के बेसिस पे निफ्टी की ओपनिंग कहां पर हो सकती है वो भी बता दिया और इसमें आपको मैंने इंडिकेटर के बेसिस पे टेक्निकल व्यू भी बता दिया कि आज का मार्केट हमारा टेक्निकली कहां पे जा सकता है। इन सारी डिटेल के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि बाहर की मार्केट कहां चल रही है, यहां की मार्केट क्या चल रही है, कल के एनएफआईज के क्या डेटा थे, आज के स्टॉक की क्या न्यूज रही है, आज आने वाले स्टॉक्स कौन से हैं जिनके रिजल्ट आने वाले हैं, तो ऐसी बहुत सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी है। तो दोस्तों इस वीडियो के ऊपर मैंने इतनी सारी मेहनत करी है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको मॉर्निंग में उठ के शूट करके आपको टाइम पे पहुंचा सकूं, और इतनी मेहनत के बाद भी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और मेरा वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और मेरे को मोटिवेट करें। और अगर मेरे वीडियो को लाइक करने के बाद आप उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप मेरे वीडियो पर सब्सक्राइब करें, अगर आप दूसरी बार देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं कराए तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं साथ में बेल आइकन हिट करते हैं तो आपको जो भी मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगा, वो डेली बेसिस पे आपके नोटिफिकेशन बार पे आ जाएगा ताकि आपसे ऐसी कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना हो। क्योंकि मैं जब मैं मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करता हूं तो मॉर्निंग में अपलोड करते समय 8:30 हो जाता है, 8:20 हो जाता है, तो कुछ समय किस कौन से मिनट में आपके पास वो वीडियो आने वाला है वो आपको नोटिफिकेशन से पता चलेगा। तो मैं आपको ओवरऑल ये कहना चाहता हूं आप मेरे वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन का बटन है वो भी आपको दबाना है, तभी आपके पास मेरा वीडियो पहुंचेगा और तभी आप मेरे वीडियो से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं आपसे कल की प्री मार्केट समरी में, और अगर आप आज मेरी वीडियो की मदद से कोई भी ट्रेड लेने वाले हैं उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।